तो दोस्तों अपने पास है एक्टिवा 3G, तो आज हम डालने इसके ब्रेक शू और ड्रम। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके ब्रेक शू भी डाले थे गाड़ी के जल्दी में ही, दो चार दिन बाद भी क्या होता है इसके ब्रेक पूरे टाइट हो गए। यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसका हो गया गाड़ी का ड्रम खराब। ड्रम खराब होने के बाद होता है गाड़ी में जब ड्रम कट जाता है आपकी गाड़ी का, आप ब्रेक शू उसमें डलवाते रहोगे पर आपके ब्रेक नहीं लगेंगे जल्दी जल्दी, मतलब पूरे टाइट हो जाएंगे ब्रेक शू खत्म। नए ब्रेक शू डलवाओगे तो भी यहीं इसकी इतनी चूड़ी चढ़ जाती है, जब ये पूरा टाइट हो जाता है समझ लो आपकी गाड़ी के ब्रेक शू खराब हो गए। इस तरीके से आपके नए ब्रेक शू डलने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी के पूरे ब्रेक टाइट होते हैं तो इसको आपको क्या करना है, आपको इसका ड्रम बदलवाना होगा। मैं आपको ड्रम बताता हूँ इसका कितने का है और ये इसका ड्रम होता। तो ये जो है अपना गाड़ी का जो तो ये ले लिए हमने इसका होंडा के ओरिजिनल ब्रेक शू। हमने पहले भी इसके अंदर ब्रेक शू ओरिजिनल डाले थे अभी 2-4 दिन पहले, तो उसके बाद भी क्या होता है इसका एडजस्टिंग पूरी अपनी टाइट हो जाती है, इसकी एडजस्टिंग पूरी टाइट हो जाती है। मानो आप ओरिजिनल ब्रेक शू डलवाते हैं, बार बार गाड़ी के ब्रेक शू डलवाने के बाद भी आपके गाड़ी के ब्रेक शू जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, तो आपको करना आप गाड़ी को आपको इसका ये ड्रम चेंज करवा लेना। तो ये ड्रम है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे कि अपनी हीरो कंपनी का ड्रम है ये, तो ये हीरो का है, जैसे कि अपनी मेस्टर हो गई है और ये अपनी होंडा एक्टिव हो गई, इनके ड्रम सेम ही होते हैं, ऐसे ही ब्रेक शू भी सेम होते हैं। तो ब्रेक शू की जिसकी MRP है वो है 669 रुपये और आपको जो मिलेंगे इसके ब्रेक शू, और आप ओरिजिनल ब्रेक शू खरीदते हैं तो ये मिलेंगे आपको 240 रुपये के ब्रेक शू। तो इसके होंडा के ब्रेक शू जो हैं 240 रुपये के, और बाकी जो ड्रम है होंडा का थोड़ा और आपको महंगा पड़ेगा, और लेते हैं तो आप ये हीरो का ड्रम खरीद सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो MRP है 990 रुपये इसकी MRP है ड्रम की, और जो ड्रम आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको, तो ये जो आपको मिल जाएगा ड्रम आपको मिल जाएगा 900 रुपये का, 990 रुपये इसकी MRP आपको मिल जाएगा, 900 रुपये का आपको ये ड्रम मिलेगा हीरो का। ये भी ओरिजिनल ड्रम ही है अपना, और ये देख सकते हैं ये रहा इसका ड्रम अपना जेन्युइन। ये क्या होता है अंदर से जो होता है, जैसे हम ब्रेक गाड़ी हमारी चलती है जैसे हमारे ब्रेक शू खींचते हैं, ब्रेक शू के साथ ही जो ड्रम होता है अंदर से, तो ब्रेक के साथ साथ अपना ये भी कटने लगता है। जब ये ज़्यादा कट जाता है तो क्या होता है, ब्रेक हम ब्रेक शू नहीं डालते हैं पर एडजस्टिंग पूरी टाइट हो जाती है, जिससे कि ब्रेक हमारी गाड़ी में ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया तरीके से नहीं लग पाते जिस तरीके से लगने चाहिए, और ब्रेक भी अपने ब्रेक शू जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। और आपकी गाड़ी के ब्रेक शू जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, मानो आपने ओरिजिनल ब्रेक शू डलवाते हैं आपको 240 रुपये के ब्रेक शू आएंगे, ये आपने 2-3 बार भी डलवा दिया और आपके ब्रेक शू खराब हो रहे हैं जल्दी जल्दी, तो उससे बेहतर है आप एक ही ड्रम डलवाओ 900 रुपये का, वो ब्रेक शू डलवा दो इसके साथ ओरिजिनल। ड्रम आप नए डलवाएं तो ये ना सोचिए जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर ब्रेक शू डाले थे तो मैं पुराने डालूँ, तो ड्रम डाल लूँ तो ब्रेक शू भी इसके साथ ओरिजिनल डालूंगा। अब ये कम से कम गाड़ी कितनी भी चला लो आप 6 महीने से पहले ब्रेक शू इसके ख़राब नहीं होने के हैं, क्योंकि ड्रम भी नहीं है ब्रेक शू भी नहीं, आप कितने भी ब्रेक मारें तो ब्रेक शू नहीं घिसेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं जैसे कि खोलता हूँ, खोलने के बाद भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से अपना ये ड्रम कट चुका है गाड़ी का। तो दोस्तों ये है अपना पुराना ड्रम जैसे कि हमने खोल दिया, ये अपना नया ड्रम। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं ये हीरो कंपनी का हमने ख़रीदा है, तो हीरो का आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, होंडा का लोग है तो आप थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो आप हीरो का अपने आराम से खरीद सकते हैं, आपको 200-150 रुपये की आपकी बचत होगी, और ओरिजिनल ही रहेगा ये भी, ये बिल्कुल सेम होते हैं हीरो का और होंडा का सेम होता है, ड्रम सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ इसकी ये ड्रम कैसे ख़राब होता है, इसके अंदर यहाँ ब्रेक शू चलते हैं अपने अंदर, इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि आप पुराने ड्रम लोगे अपना, तो आप इसे दे रहे हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा कड़वा है, यहाँ ये गड्ढा यहाँ ब्रेक शू चलते हैं अपने, तो यहाँ क्या होगा यहाँ पर गड्ढा पड़ जाता है जिसकी वजह से हमारी ब्रेक एक तो अच्छे नहीं लग पाते और क्या होता है जल्दी जल्दी ब्रेक शू खराब होते हैं। अपने ये रहा नया ड्रम, ये अंदर से बिल्कुल जो इसके ये देख रहे हैं किनारी होगी जो ये होता है, यहाँ अपने ब्रेक शू चलते हैं, ये इसकी थोड़ी मोटी होती है, जैसे जैसे हम ब्रेक शू मारते हैं ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है ब्रेक भी घिसते हैं अपने, और अपने जो है ये ड्रम भी घिसता रहता है यहाँ से इस तरीके से ये। तो इसलिए ड्रम और ब्रेक शू जब गाड़ी आपके जल्दी जल्दी ब्रेक शू ख़राब होने लगे या ब्रेकों में ज़्यादा आपको मजा ना है तो आप क्या करें इसका ड्रम और ब्रेक शू दोनों चेंज करा दें। 900-250 आपके पड़ जाएगा, 1250 रुपये करीब, 1300 रुपये मानो आप 1300 रुपये में आपका पिछला पहिया हो जाएगा बिल्कुल सेट। 1300 रुपये लगा आपको 5-6 महीने तक ब्रेक शू बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ड्रम है गाड़ी के साथ का, ये जो ड्रम अपने गाड़ी के साथ का, तो कम से कम 5 साल तक अपने डलवाने के बाद 5 साल आपका ड्रम आराम से चलेगा। 900 रुपये में अगर आपके ड्रम 5 साल चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 साल से पहले नहीं होता क्योंकि ब्रेक शू ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि वो लेदर होता, ये जो अंदर होता है इसका ब्रेक शू होता, ये कम घिसता है, ब्रेक शू ज़्यादा घिसते हैं, जैसे कि लोकल में गाड़ी के ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इस वजह से ये ब्रेक शू जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। और ये रहे अपने जैसे कि ओरिजिनल ब्रेक शू, और आपको सोचते और आपको ड्रम अपना अच्छे तरीके से चलाना है कि ज़्यादा टाइम तक चले, तो आपको क्या करना जब भी डलवा होंडा के ओरिजिनल ब्रेक शू डलवाओ इसके अंदर, ये जो लेदर होता है ओरिजिनल, तो इससे आपका ड्रम कम ख़राब होगा। अगर आपने जैसे कि ड्रम डलवा दिया आपने ओरिजिनल लोकल ब्रेक शू डलवा दिए तो क्या होगा आपका ड्रम जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो होता है ब्रेक शू इसका लेदर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसकी वजह से ये ड्रम कम घिसता, और जो लोकल होता है उसका ब्रेक शू तो उसका लेदर जो होता है वो हार्ड होता, वो ब्रेक शू कम घिसता पर ड्रम ज़्यादा घिस देता। ये इस तरीके से मैं देखा था, ये इस तरीके से इसके अंदर लगे रहते अपने इस तरीके से ये
अपने पहिए के अंदर लगे थे, जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो ये आपस में यहाँ खुल जाते हैं, खुलने के बाद अपना गाड़ी का पहिया जाम हो जाता है, गाड़ी रोक देती है। ये जो लेदर है ये ड्रम को रोकता है इस तरीके से। ये हो गया इसका पूरा सेट, पूरा सेट डालने इसके अंदर अब हम, और अब कम से कम पाँच, अपने कम से कम छः महीने तक ब्रेक शू डलवाने की कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं आपको दिखा दूँ, ये रे ब्रेक शू देखो, इस ब्रेक शू की कंडीशन भी दिखा दूँ। ये हमने अभी जल्दी, ये रे ब्रेक शू, इसका भी आप देख सकते हैं लेदर अभी बिल्कुल ठीक है। ब्रेक शू अभी हमने फिलहाल में इसमें जल्दी में डाले थे, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए हैं। पर ये हम जब ब्रेक शू नहीं डाल लें तो, क्योंकि ब्रेक ड्रम नहीं डाले हैं तो ब्रेक शू भी नहीं डालें, क्योंकि ये ब्रेक शू हमें इस पर लाइनिंग आ गई। ड्रम डालने के बाद अगर आपने पुराने ब्रेक शू डलवाए तो आपको गाड़ी में इतने, मतलब ब्रेकों में इतनी वो नहीं आने का, जो कि एक मज़ा आना चाहिए, थोड़े से स्लिप करेंगे। तो इसलिए ब्रेक शू ड्रम जब भी डलवाएं, अपने ब्रेक शू डलवाएं। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ब्रेक ये है अपने ओरिजिनल, जैसे कि आपको पड़ेंगे ये 240 रुपये के हैं आपके ब्रेक शू। और जो ड्रम है ये हीरो मेस्ट्रो होंडा एक्टिवा, और इसकी जो MRP है वो है 990 रुपये। यदि अपनी MRP आपको दिखाई दे रही होगी, 990 रुपये इसकी MRP है, और आपको 900 रुपये का ड्रम मिल जाएगा। 900 का भी मिल सकता है आपको, 880 का भी मिलेगा, कहीं आपको कहीं 910 रुपये का भी मिलेगा। 10 रुपये ऊपर नीचे, 10-20 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं MRP जो है। अब फिलहाल में 990 रुपये इसकी MRP है, तो आपको 900 रुपये का आपको ड्रम मिल जाएगा। तो अब हम डाल लेते हैं गाड़ी के अंदर ड्रम और ब्रेक शू।